भारतीय घरों में झाड़ू बड़े काम की चीज है। पश्चिम बंगाल की शबर जनजाति बांस से झाड़ू बनाती है। ये घास की बनी झाड़ुओं से ज्यादा चलती हैं, जो खेतों, झोपड़ियों और गोबर से लिपे फर्श की सफाई के काम आती हैं। तो मतलब बाजार में 10 झाड़ू लेकर जाते हैं, कम से कम 5 तो बिक ही जाते हैं, उससे 2 दिन घर का खर्चा चल जाता है। शबर भारत की उन 700 जनजातियों में से एक है जो ब्रिटिश दौर से ही भेदभाव का शिकार रही है। उन्हें जन्मजात, जंगली और अपराधी बताया जाता था। दशकों तक वे इस कलंक को ढोते रहे। अगर किसी की जेब कट जाती तो लोग कहते शबरों का ही काम होगा। हर बात में दोष शबरों पर ही थोप देते थे। शबरों ने ही किया होगा, शबरों ने ही चोरी की थी। शबर सिर्फ पक्षपात के ही शिकार नहीं बने, उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन से भी बेदखल कर दिया गया। 1960 के दशक में जब जंगलों की जमीनों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तब से वे जूझते आ रहे हैं। रोजी रोटी चली गई और भूखों मरने की नौबत आ गई। ये बीमारी विकास की और ग्लोबलाइजेशन की है, जो जनजातियों पर कहर बनकर टूटी है। भारत में इन जनजातियों की दास्तान की बहुत सारी परतें हैं और ये बहुत पेचीदा कहानी है, लेकिन भविष्य के लिए मैं कहूँगी सारी दुनिया के मूल निवासी हमारे शिक्षक हैं। हमें उनसे सबक लेना चाहिए। वे लोग जो उन्हें पिछड़ा बताते हैं और अपने सांस्कृतिक अहंकार और उपनिवेशी नजरिए से उन्हें देखते हैं, वे नुकसान में रहेंगे। एक सदी से भी ज्यादा समय तक शबर नुकसान झेलते रहे। आगे चलकर कुछ लोग जमीन हासिल कर उस पर खेती करने लगे, लेकिन इससे सबका काम नहीं चलता था। आर्थिक मदद के लिए एक स्थानीय पहल शुरू की गई। शबरों का देसी पुश्तैनी ज्ञान ही उनकी आय का जरिया बना। खजूर पाता एवं काशी खजूर के पत्तों और घास से घरेलू काम की चीजें बनाने का हुनर शबरों के पास है। बाजार में उन्हें टिकाऊ बनाने के लिए हम उन्हें डिजाइन देते हैं, उनके लिए ट्रेनर भी रखे हैं। शबर अपने काम में उन ट्रेनरों से भी अव्वल ही निकले, क्योंकि ये उनकी पारंपरिक कला है। शबरों की पहचान को जिंदा रखने के लिए हमने इसे एक नाम दिया है, शबर हस्तशिल्प। त्रिलोचन शबर आमतौर पर गुजर बसर के लिए ढोल बजाते हैं। ये बंगाली उत्सवों की खास पहचान है, लेकिन महामारी के बाद इस काम से होने वाली उनकी कमाई भी ठप हो गई। आज वो करीब 400 जनजातीय परिवारों के उस समूह का हिस्सा हैं, जो झाड़ू बनाकर अपनी रोजी रोटी चलाता है। हमारा ये बांस की झाड़ू बेचकर हफ्ते में हम 500 से 700 रुपए कमा लेते हैं। 2020 से सामुदायिक पहल के जरिए झाड़ू बनाने का बिजनेस शुरू करने के लिए परिवारों को आर्थिक मदद दी जा रही है। कच्चा माल है बांस। अपने घर में ही शबर बांस के पौधे उगाते हैं। उत्पादन को टिकाऊ बनाए रखने के लिए पौधे उन्हें कलेक्टिव से मिलते हैं। झाड़ू बनाने में जितना बांस काटा जाता है, उसकी जगह नया पैदा हो जाता है। अपने बिजनेस से शबरों ने एक छोटे स्तर की सर्कुलर इकोनॉमी खड़ी कर दी है। कुदरत को नुकसान पहुंचाए बगैर कुदरती संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने खुद को कभी धरती से अलग करके नहीं देखा। धरती उनके लिए ऐसी चीज नहीं है जिसे बस खसोटते रहो। हमें जीवाश्म ईंधन से निजात पानी होगी। झाड़ू एक मिसाल है कि कैसे हम बायोडायवर्सिटी वाली इकोनॉमी में रह सकते हैं। पीढ़ियों से चला रहा देसी ज्ञान आज शबर जनजाति के काम आया है। उन्हें जीने की राह मिली है, यहाँ तक कि महामारी से भी उन पर आंच नहीं आई। ये भी अहम बात है कि इस समुदाय का खोया हुआ विश्वास भी कुछ हद तक लौट आया है। झाड़ू के काम की बदौलत शबरों के खिलाफ भेदभाव कम हुआ है। उनकी लड़कियां खुद ही झाड़ू बेचने बाजार जाती हैं
उनका खुद पर भरोसा मजबूत हुआ है और दूसरे लोगों का ध्यान भी इस ओर गया है, जो अब ये सोचते हैं कि ये लोग चोर नहीं हैं, बल्कि अपनी झाड़ू बेचने बाजार में आए हैं। बाहरी दुनिया के मतलब और पसंद की चीजें तैयार कर शबरों ने अपने लिए समुदाय से बाहर इज्जत भी कमाई है। वे इस बात का जीता जागता उदाहरण हैं कि देसी और पारंपरिक ज्ञान कुदरत से तालमेल बिठाते हुए टिकाऊ जीवन की कुंजी बन सकता है।